डोसा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन ये डोसा है वो है बाल्टी डोसा। देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है, बटर और चीज़ की इसके अंदर कोई कमी नहीं है, और इसका टेस्ट उससे भी लाजवाब है। वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। आज हम आ गए मुंबई के ब्लिस डोसा पर। ऐसा बन रहा है बाल्टी डोसा। बाय वेजेस ओनियन, टमाटो, कैप्सिकम और कैबेज। अब हल्का सा रेड चिल्ली, गरम मसाला और नमक। अभी दो सॉस आए हैं, टमाटो केचप और रेड चिल्ली। अब आया सेजवान। अब आया गाइस बटर, कोकोनट चटनी, तंदूरी मियोनीस, रेड चटनी। अब और बटर आया। अभी इन सब को एकदम अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो गाइस अब इसके ऊपर आया पनीर, पनीर के बाद धनिया और ये हल्का सा पानी, और अब आ रहा है इसके ऊपर चीज। अभी इन सबको एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाएगा, और थोड़ा सा पानी। अब ढक के करीबन कितने मिनट तक पकाया जाएगा? एक मिनट के लिए पकाया जाएगा। तो एक मिनट हो गया है, अभी इन सबको एकदम अच्छे से स्मैश किया जाएगा। तो गाइस और बटर आया है। ये जो ग्रेवी है इसको इस बाल्टी में भर दिया जाएगा। गाइस आप बाल्टी की साइज देख सकते हो, अच्छी खासी है। तो अब इस डोसे को कट किया जाएगा, और अब ये बाल्टी के अंदर भी चीज आएगी। हल्का सा धनिया, तो गाइज अब इसके ऊपर और चीज आएगा। तो गाइज ये रेडी हो गया है। इसको सर्व किया जाता है कोकोनट चटनी, इनकी तीखी चटनी। तो गाइज ये 250 का होता है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये बाल्टी डोसा। आप देख सकते हो मेरे मुंह से तो बड़ी ये बाल्टी है, और इसके अंदर पूरा एकदम अच्छे से ग्रेवी भरा हुआ है, दो चटनी दी गई है, और ये देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसको हम ट्राई करते हैं। फुल्ली चीज़ और बटर की कोई कमी नहीं है, पनीर भी अच्छा खासा स्मैश किया हुआ है। इसको तोड़ते हैं और निकालते हैं इसके अंदर का माल मसाला। अब लेंगे थोड़ा कोकोनट चटनी और ट्राई करते हैं। इसका जो टेस्ट है, सबसे पहले तो बहुत ही यम है, पनीर का बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है,
चीज का भी एक चीजी सा फ्लेवर आ रहा है, मेयोनीज वगैरह सभी तरीके का एकदम बोल देना, एक कंप्लीट पैकेज है। आपको 250 रुपीज ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको ट्राई करते हो तो आपको ये 250 रुपीज बहुत कम लगता है, क्योंकि इसका इतना अच्छा टेस्ट है। अब हमने ट्राई किया था कोकोनट चटनी, अब मैं इसको ट्राई करूंगा इस चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। आप इसको कोई भी चटनी के साथ खा लो, स्वाद इसका हर बाइट के अंदर भरते ही जाएगा। और 250 रुपीज के हिसाब से आप ये बाल्टी का साइज देख लो, आपको 250 रुपीज ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये 250 रुपीज में बहुत ज्यादा रीजनेबल है। इसको कम से कम भी 2 से 3 लोग खा सकते, तो वो 250 रुपीज आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको रीजनेबल रेट मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आऊंगा इंडिया का बेस्ट स्ट्रीट फूड।